आज प्रभु रामलाल जी महाराज के 136वें जन्मोत्सव समारोह का चंडीगढ़ योग सभा द्वारा 3 दिवसीय प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सूर्योदय के बाद से ही भजन कीर्तन यज्ञ और फिर दोपहर को प्रभु रामलाल जी की पालकी भगत जनों द्वारा पूरे सेक्टर में निकाली गई। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि चंडीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने सभी मेहमानों से निरोगी जीवन के लिए अपने जीवन में योग को शामिल करने की अपील की। शब्द बन जाते हैं, अगर प्र लगा दो तो प्रयोग कर लेना, अगर अच्छा करना है तो उपयोग कर लेना, अगर उसको योगा करना है तो आज योगा को भी मोदी जी ने कैसे को बनाकर 21 जून का एक दिन दे दिया। दुनिया में कभी भी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के कहने पर कभी कोई ऐसा दिन ऐड नहीं किया था, कभी योगा डे सबसे पहली बार दुनिया ने माना, वो मोदी जी के कहने के ऊपर माना, और उसके माध्यम से आज वो लोग आप देखेंगे चंडीगढ़ ही नहीं पूरे देश में से योगा सिखाने वाले बच्चे बच्चियां दुनिया के अंदर जाकर वो कितना कमा रहे हैं। ये एक योग के माध्यम से एक प्रोफेशन भी एक तरह से डेवलप हो गया, तो ये योग को आप मत छोड़िएगा। यहाँ पर जो लोग रेगुलर आते हैं, आज मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग तो सिर्फ भजन के लिए आए लग रहे हैं, योग वाले जो हैं वो तो सवेरे सवेरे वाली पार्टी अलग होगी। मैं आपको अपने दिल से ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे, मैंने तो जाकर मैंने हिमाचल में भी वहां पर मैंने सीखा, वहां पालमपुर में कायाकल्प नाम की जगह है, मैं वहां से भी सीख कर आया, और कई बड़े बड़े लोग इस चीज को वो करते हैं। आपने मोदी जी को भी देखा होगा कि कभी थकावट भी चेहरे में देखी होगी, आप सारा दिन भागते रहते हैं, सारा दिन आप टीवी लगाओ कहीं ना कहीं नई जगह पर होते हैं, कहीं रोड शो चल रहा है, कहीं मीटिंग चल रही, कहीं बोल रहे हैं, तो थकावट क्यों नहीं होती, और उसका रहस्य योगी है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आप भी जो प्राप्त करना चाहते हैं तो यही एक माध्यम है, और इस माध्यम से जिस तरीके के साथ प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर एक नाम रोशन किया भारत देश का, आज आपको भी लगता होगा कि पूरे देश का नाम जो है दुनिया में आज सब लोग इसका लोहा मानते हैं कि भाई भारत जो है ये सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज गति से आगे चलने वाला जो है देश है। तो मैं आप सबको भी प्रार्थना करता हूँ कि इस बार फिर मोदी जी के हाथों को आप मजबूत करें, और उनको एक बार फिर से हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और चंडीगढ़ के अंदर भी जो यहाँ की सीट है वो सबसे पहले नंबर पर वो 400 सीटों में हम उनकी झोली में डाल सके, ऐसी मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। और आपके इस पुण्य दिवस की और आप सबको बहुत बहुत बधाई। रामनवमी का आज 550 वर्षों के बाद भगवान रामलला आज अपने मंदिर में बैठकर अपना जो है जन्मदिन मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और ये सब लोग ये संभव हो पाया आपके मन की श्रद्धा के भाव से ये संभव हो पाया। एक बार पुनः मैं आज इस पावन दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम।